हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल और क्रिएटिविटी विद अंजू में आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे से होंगे और आज फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आई हूँ आपके सामने। केन केन का एक पीस है जो मेरे पास रखा हुआ था और मैं इसी से ही बनाने वाली हूँ और मुझे लगता है आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। ज़्यादातर जो गृहिणी होती है घर की वो ज़्यादा दुखी रहती है उस चीज़ से, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ ये। और वैसे तो ये ज़्यादातर ड्रेसेस में यूज होता है लेकिन मैं इसे कुछ अलग ही बनाने वाली हूँ। और पहले मैं इसे क्या कर लूँगी, मेजर कर लूँगी जितना मुझे चाहिए वो बनाने के लिए। तो मैं दोनों साइड से इसे मेजर करके यहाँ पर कट कर लूँगी। यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं 11 to 17 इंचेस रखने वाली हूँ। आप चाहे तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं और भी इससे थोड़ा सा कम रख सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको अब कट कर लूँगी, इसके दो पीसेज निकाल लूँगी इसमें से कट करके। और अभी भी इसमें से मेरा काफ़ी सारा पीस बच गया है जो और भी चीज़ें बनाने में काम आ जाएगा, जो मैं बाद में बनाने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पर दो पीस निकाल लिया। अब इन्हीं की बराबर मुझे साइडों से तीन साइड का मुझे और निकालना है। तो जितनी ये साइडों से लंबाई और नीचे से जो रहेगी वो तो मुझे इतनी ही रखनी है, बस थोड़ी सी जो चौड़ाई रखनी है वो मैं इन सभी की 5-5 इंच रख लूँगी यहाँ पर और फिर उसे कट कर देखिए अब हम यहाँ पर जो मैंने ये कट करे हैं पीसेस इस तरह से, अभी ने मैं इस तरह से यहाँ पर इसमें साइडों में और नीचे की साइड यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। लेकिन सिलने से पहले यहाँ पर जो एक नीचे की साइड का पीस है छोटा सा और एक ये जो मैंने दो पीस निकाले थे बराबर बराबर, इनमें क्या करना है, मिडल में यहाँ पर मैं मार्क करके कुछ इस तरह से यहाँ पर मुझे कटिंग करनी है इस तरह से। यहाँ पर मुझे एक काले कपड़े की ज़रूरत थी इसके लिए जो मेरे पास नहीं था, सिर्फ ये एक छोटा सा पीस बचा हुआ था तो इसी में से ही मैंने 2-2 इंच की ये पट्टियाँ सी निकाल दी ताकि ये भी मेरी यूज में आ जाए। पट्टियों को ना मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से फोल्ड करके बराबर इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी जो मैंने कटिंग की है होल वाली। और देखिए टेंशन भी मेरी दूर हो गई, मुझे और कपड़ा चाहिए था तो कपड़ा तो मुझे नहीं मिला, इस तरह का एक बैग मिल गया और इसी में से ही मैं अपनी पट्टियाँ निकाल लूँगी। और ये ना काफ़ी अच्छा था, मतलब जब मैंने ये बनाया और पता भी नहीं चल रहा था, मतलब कपड़े से भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग इससे आई लगने से। और वाकई में इस तरह के जो बैग होते हैं वो भी हमारे काफ़ी यूज में आने वाले। अभी हम फेंकने की बजाय इस तरह से कपड़े की जगह भी यूज कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छी सेविंग हो जाएगी हम गृहिणियों के लिए। इसमें से भी मैं 2-2 इंच की कुछ इस तरह की पट्टियाँ निकाल लूँगी बराबर बराबर।
इस पट्टी को मैं कुछ डबल करके फोल्ड करके लगा रही हूँ, और इस तरह से धीरे धीरे बस हमें क्या करना है, राउंड में घुमाते जाना है और बस ऐसे ही स्टिच कर देना है। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल में ही लगा रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर इन पट्टियों को भी लगा लिया नीचे की साइड और एक साइड में, और इस तरह से मैंने इन जो पार्ट कटिंग किए थे उनको भी यहाँ पर जोड़ लिया है। और अब जो ये साइडों के बचे हुए थे इनमें भी मुझे इस तरह की ही पट्टियाँ लगानी है, तो यहाँ पर मैं सिंगल पट्टी करके लगा रही हूँ। आप चाहे तो डबल भी लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो मैंने इस तरह से देखिए चारों तरफ लगा लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी ज़रूर बनाने की कोशिश करना, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। बिल्कुल एकदम आसान है इसे बनाना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बनाने का, और एकदम सिंपल कटिंग करके ही एक अच्छा सा हमारा ये एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। और मैंने इसे ऑनलाइन देखा था तो इसे काफ़ी महंगा लगा मुझे उस तरीके से, अब मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया ये बनाने में, तो एकदम फ्री में ही मेरा बनकर तैयार हो गया। और अब क्या करूँगी मैं इसमें सिंपल, इस तरह से मेरे पर एक मार्केट वाली बेल्ट रखी हुई थी तो मैं वही कटिंग करके यहाँ पर इसे यहाँ पर इस तरह से लगा दूँ। और देखिए यहाँ पर जो था वो इस तरह का था, और आप भी ज़रूर बताना देखकर कि क्या ऐसा बना पाई या नहीं बना पाई। और देखिए हमारी जो ये परेशानी थी अब ये दूर हो गई, मैंने ऊपर की साइड बड़े वाली रख ली है इस तरह से और नीचे की साइड छोटी, तो इनकी तो हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है किचन वगैरह में, तो यहाँ पर मैंने किचन में हैंग किया। आप चाहे तो इसे वॉशरूम वगैरह में भी कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। और देखिए अभी यहाँ पर मैं अपना सेकंड DIY बनाने वाली हूँ, तो ये भी काफ़ी प्यारा लगेगा आपको बनने के बाद। इस तरह के जो हमारे पास कार्डबोर्ड रखे रहते हैं ना, उसके ऊपर से हम जब ये हटा देते हैं तो अंदर से कुछ इस तरह से निकलते हैं पीस, और ये इससे ना हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद जो भी हम इनसे चीज़ें बनाते हैं। और इसे आसान होता है ऊपर से उतारना, अगर ना भी आप पर अच्छे से हटे तो आप थोड़ा गीला करके भी इसे हटा सकते हैं। तो और यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है लगाने के लिए। मेरे पास कुछ ऐसे कई सारे डब्बे रखे हुए थे जिनका मुझे मेकओवर करना था, और कुछ इस अच्छा सा बनाना था जो मतलब देखने में अच्छा लगे और यूज़ में भी आए, तो वही मैं यहाँ पर इसे बनाने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। कवर के लिए भी मुझे यहाँ पर एक हैंडल सा बनाना था ताकि वो रख इस तरह से कवर करने में आसानी हो पकड़ने में। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो सीसियाँ रखी थी कलर की, तो मैंने उन्हीं की कैप ली और उन्हीं पेस्ट करके मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ इस तरह से। और इस पर डायरेक्ट कलर करने से पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक वाइट कलर बना लूँगी। चाहे तो आप कलर भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी पानी और फेविकोल मिलाकर बनाया है, पहले मैं उसे ही लगा दूँ।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक्स एंड शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कलर लिए हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर इस तरह से इनको सभी को कलर कर दूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे बनने के बाद। मेरे पास इस तरह का कलर नहीं था जैसा इस ऊपर के कवर का कलर था, तो मैंने ये रेड और ब्लैक मिलाकर बना लिया और उस पर इसी तरह से लगा दिया, तो देखने में बिल्कुल वो सेम एक जैसा लग रहा था। और जो ये साइडों में यहाँ पर जगह बची थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास डोरी रखी हुई थी जो लेसिस वगैरह की होती है बारीक वाली, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं वार्निश अप्लाई कर दूंगी, इससे क्या होगा ना एक साइन सी आ जाती है, कलर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और देखिए बनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि वही बॉक्स है, एकदम बाजार जैसा लग रहा था। और प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और बताना आप दोनों DIY कैसे लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।